Greetings, assalamu alaikum, and most welcome in this short content writing course by Royal Students Community Pakistan. Here is Tehsin Riaz, the trainer of this course. Let me briefly introduce myself to all of you guys. My name is Tehsin Riaz. I'm a freelance content writer, creative writer, and trainer of freelancing and content writing. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली वेरी सॉरी इस सेशन को वैसे तो लाइव आ जाना था लेकिन क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी सो इसलिए लाइव जो है वो आज हो नहीं सकेगा लेकिन क्योंकि आप लोग बहुत वक्त से इस चीज़ का वेट कर रहे थे सो इसलिए आपको डिसअपॉइंट करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा सो मैंने सोचा कि क्यों ना रिकॉर्डेड ही सही लेकिन आज का सेशन ज़रूर होना चाहिए क्योंकि आप में से हर एक पर्सन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए आप यहाँ पर सीखने आए हैं और इंशाल्लाह आप यहाँ से सब कुछ सीख के जाएंगे सो जो ये कोर्स है कंटेंट राइटिंग का उसमें हम क्या सीखने जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं सो इस कोर्स में जो इसकी आउटलाइन है जो इन तीन चार सेशंस में आपको इंशाल्लाह सिखाया जाएगा वो होगा फ्रीलांसिंग के मुताबिक कंटेंट राइटिंग के बारे में और रिफ्रेशिंग स्किल के बारे में तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो चीज़ें आपको यहाँ पर सिखाई जाएंगी उनका क्या फ़ायदा होने वाला है आपको सो फ्रीलांसिंग के बारे में आप में से बहुत सारे लोग हैं उनको उसके बारे में सही से मालूम नहीं है क्योंकि फ्रीलांसिंग के बारे में जहाँ पे इंफॉर्मेशन है तो वहाँ पे बहुत सारी हिट्स भी हैं और आपको इस कोर्स में फ्रीलांसिंग के बारे में बताया जाएगा कि एक्चुअली फ्रीलांसिंग क्या है और कौन लोग हैं जो फ्रीलांसर बन सकते हैं और कंटेंट राइटिंग जो लोग लिखने के बहुत शौकीन हैं उनको लिखना पसंद है तो वो लोग जो हैं इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकेंगे इंशाल्लाह और इसके अलावा आप में से हर एक इंसान जो है इस शॉर्ट कोर्स के बाद हमारे लाइक हो जाएगा जी हाँ सही सुना आपने यहाँ पर आपको एक स्किल सिखाई जाएगी जो कि आप में से हर एक इंसान सीख सकेगा बहुत इजी है और उसको सीखने के बाद इंशाल्लाह आप जो हैं वो हमारे लाइक हो जाएंगे उस स्किल को आप हैश करेंगे आने वाले वक्त में इंशाल्लाह और आपको मैं ये भी बता दूं कि जो स्किल आपको यहाँ पर सिखाई जाएगी उसका जो फर्स्ट प्रोजेक्ट होगा फर्स्ट जो पेड प्रोजेक्ट होगा वो मैं ही आपको असाइन करूँगी इंशाल्लाह तो इससे इस पूरे कोर्स से आपको ना सिर्फ आपकी मालूमात में इजाफा होने वाला है बल्कि आप सबको एक स्किल भी सिखा दी जाएगी और प्लस पॉइंट ये है कि उसका अर्निंग सोर्स जो है वो भी आपको बता दिया जाएगा आपको फर्स्ट प्रोजेक्ट इंशाल्लाह तहसीन रियाज ही असाइन करेंगी और उसके अलावा आपको प्लेटफॉर्म्स बताए जाएंगे कि कहाँ पर जो है वो आप इस स्किल को जो है बेनिफिट हासिल कर सकते हैं कहाँ पर आप अपनी रिफ्रेशिंग स्किल की जो है वो सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड कर सकते हैं तो इंशाल्लाह ये सब जो है इंशाल्लाह आपको बताया जाएगा सिखाया जाएगा समझाया जाएगा एंड प्रैक्टिकली भी ये करवाया जाएगा ठीक है सो इंशाल्लाह वो जल्द तो जैसे कि मैंने अपने जो इंट्रोडक्शन में जो है वो बताया कि मैं फ्रीलांसर हूँ और मैं कंटेंट राइटर हूँ तो वर्ड मैंने यूज़ किया है फ्रीलांसर तो फ्रीलांसर का क्या मतलब है जैसे डॉक्टर एक प्रोफेशन है इंजीनियरिंग एक प्रोफेशन है इसी तरीके से फ्रीलांसिंग एक प्रोफेशन है ठीक है जनाब तो इस प्रोफेशन में क्या होता है कि ये प्रोफेशन बाकी सारे प्रोफेशन से टोटली मुख्तलिफ है इसमें आप बिल्कुल बाउंड नहीं हैं कि आपके पास कोई डिग्री होनी चाहिए स्पेसिफिक ठीक है इसके अलावा आप इस चीज़ के भी बाउंड नहीं हैं कि आपने अपने बिजनेस में कोई इन्वेस्टमेंट करनी है
आपको सिर्फ एक चीज़ आनी चाहिए, कोई ना कोई स्किल, ठीक है, और उसके बाद आप उसको आगे परजू कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग एक्चुअली होता क्या है कि सन 1800 में 1800 सेंचुरी में वर्ल्ड वॉर हुई थी, और वहाँ पर जो है जो जनरल थे उन्होंने क्या किया कि जब उनको लगा कि हम हार रहे हैं और उनके पास लोग नहीं थे, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने फ्रीलांसर्स को बुलवाया। उन्होंने ये कहा, जो वहाँ पे एक तो फौज होती है ना, फौज अपनी जंग में उनकी लड़ाई होती है, तो फौज के अलावा जो कंट्री के लोग होते हैं, उन्होंने उन लोगों को कहा, अनाउंसमेंट करवाई कि अगर आप हमारे बिहाफ पे लड़ाई करेंगे मैदान में आके, तो हम उसके आपको पैसे देंगे, यानी कि आप हमारे बिहाफ पे आके काम करें और हम उसको उसका जो उसकी उजरत जो है, उसकी पेमेंट जो है वो आपको देंगे। तो 1800 सेंचुरी में सर वॉल्टर ने ये वर्ड यूज़ किया था, फ्रीलांसर। वो तो खैर बात थी उस वक्त की, तो उस वक्त से ये वर्ड यूज़ होता 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 अब 2021 में ऐसा आया है कि लोग जो हैं उनके पास स्किल्स होती हैं, कोई कंटेंट राइटर है, कोई ग्राफिक डिज़ाइनर है, कोई वेब डेवलपर है, कोई मोबाइल ऐप डेवलपर है, तो वो उनके पास जो स्किल्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं अपनी सर्विसेज ऑनलाइन, ऑनलाइन वर्ल्ड में, तो और उन सर्विसेज के इवज उनको पैसे दिए जाते हैं, ठीक है। तो फ्रीलांसिंग में ये होता है कि आप के पास कोई स्किल होती है या कुछ स्किल्स होती हैं, एक से ज़ायद स्किल्स होती हैं या एक स्किल होती है, तो उस स्किल को इस्तेमाल करते हुए आप लोगों को उनकी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और इन रिटर्न आपको वो पैसे देते हैं, ठीक है। तो ये होती है फ्रीलांसिंग कि अगर आप किसी को कोई अपनी सर्विस दे रहे हैं तो इन रिटर्न उसके आपको पैसे मिल रहे हैं। जैसे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, तो ये होता है उनका कि उनका एक स्पेसिफिक टाइम होता है, 9 to 5 जॉब हो सकती है। स्कूल के टीचर्स हैं तो उनकी भी 9 to 5 जॉब होती है, या कोई भी इंसान जो किसी ऑफिस में काम कर रहा है किसी कंपनी में, कोई उसका अपना प्रोफेशन है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, कोई भी उसका प्रोफेशन है, तो एक फिक्स टाइम होता है उनके काम का, और उसके बाद उनकी फिक्स सैलरी भी होती है कि जी इतना आप काम करेंगे एंड एट द एंड ऑफ द मंथ आपको 30,000-50,000 पे किया जाएगा, और उस एक महीने में चाहे आपसे ज़्यादा काम करवाया जाए तो उसकी कोई आपको पेमेंट नहीं दी जाती, क्योंकि जो अमाउंट होती है, सैलरी होती है, वो फिक्स होती है। तो यहाँ पर आपको डिफरेंस बताया जा रहा है फ्रीलांसिंग का और दूसरे प्रोफेशंस का। जो दूसरे प्रोफेशंस हैं उनको समझ लें कि कोई भी दूसरा प्रोफेशन है, जो कि फ्रीलांसिंग नहीं है, कोई भी दूसरा प्रोफेशन है। तो उस प्रोफेशन में आपकी सैलरी फिक्स होती है, आपका आपके वर्किंग आवर्स भी फिक्स होते हैं कि 9 to 5 जॉब है आपकी, ठीक है, और इतनी 25,000 आपकी सैलरी है। तो फ्रीलांसिंग में ये चीज़ें नहीं होती, फ्रीलांसिंग में 9 to 5 जॉब नहीं है, फ्रीलांसिंग में फिक्स सैलरी नहीं है। आप फ्रीलांसिंग में जितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं उतनी ज़्यादा आपको सैलरी मिलती है, उतना ज़्यादा आपको उसकी बेनिफिट्स हासिल होते हैं। आप बिल्कुल इस चीज़ के बाउंड नहीं हैं कि आपने 24 घंटे काम करना है। अगर आप अपनी स्किल में माहिर हैं, आप अपने काम में एक्सपर्ट हैं, 3-4 घंटे लगेंगे आपको अपना काम कंप्लीट करने में, उसके बाद 20 घंटे आपके पास फ्री हैं। दूसरे प्रोफेशंस में आपको एट द एंड ऑफ द मंथ आपको सैलरी मिलती है, जबकि फ्रीलांसिंग में ये होता है कि जैसे आपका काम कंप्लीट होता है, आप प्रोजेक्ट अपना कंप्लीट करते हैं, उसी वक्त क्लाइंट जो है वो आपको पैसे दे देता है। यानी कि फ्रीलांसिंग में आपको ये बेनिफिट हासिल है कि जैसे ही आप अपना काम कंप्लीट करते हैं उसी वक्त आपको पैसे मिल जाते हैं। आपको पूरा महीना अपनी पेमेंट का वेट करने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। यहाँ से काम किया, ऐसे काम किया और ऐसे आपके पास आपकी पेमेंट भी आ गई, ठीक है।
तो यहाँ पर ये डिफरेंस आ जाता है फ्रीलांसिंग प्रोफेशन में और दूसरे प्रोफेशंस में। अब फ्रीलांसिंग की फ्लेक्सिबिलिटी इतनी है कि अगर आप डॉक्टर हैं तो साथ में आप फ्रीलांसर भी बन सकते हैं, अगर आप इंजीनियर हैं वो भी आप फ्रीलांसर बन सकते हैं। इस प्रोफेशन को, ये ऐसा प्रोफेशन है कि इसमें अगर आपको बस एक स्किल आती है, आपने कुछ घंटे इन्वेस्ट करने होते हैं वो काम करने में, और फिर आप फ्री होते हैं और बाकी जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं आप उनको भी साथ साथ लेकर जा सकते हैं। और फ्रीलांसिंग में ग्रो करने के चांसेस बनिस्बत दूसरे प्रोफेशंस के बहुत ज़्यादा हैं, फाइनेंशली भी बहुत ज़्यादा हैं, और आप अपने आपके आप वैसे भी बहुत इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, फाइनेंशली भी इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, आप लोगों को हायर कर रहे होते हैं, तो इस तरीके से आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ग्रो कर जाते हैं, आप एक इंडिविजुअल फ्रीलांसर से कंपनी बन जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंसेस आ जाते हैं फ्रीलांसिंग प्रोफेशन के और दूसरे प्रोफेशन के। यहाँ पर अगर ये बात की जाए कि जी हम क्यों फ्रीलांसिंग के ऑप्शन को जो है वो यूज़ करें, हमें क्यों फ्रीलांसर बनना चाहिए, तो सिंपल सा इसका आंसर है कि फ्रीलांसिंग, अगर आप फ्रीलांसिंग के प्रोफेशन को आप ऑप्ट करते हैं तो इसका आपको ये सबसे बड़ा बेनिफिट हासिल है कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। अब देखिए ना, हम में से ज़्यादा लोग जो इस सेशन को ज्वाइन कर रहे हैं वो ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स हैं। तो अब देखें कि कोरोना वायरस के बाद हर एक ख़ानदान की जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो बहुत ख़राब हुई है, चाहे वो कितने ही अच्छे थे इससे पहले, लेकिन कोरोना वायरस के बाद हर एक चीज़ बहुत बुरी तरीके से मुतासर हुई है। तो अब देखेंगे आरएससी भी है, तो आरएससी में आए रोज़ जो हैं हमारे पास वो केसेस आ रहे होते हैं, किसी को राशन चाहिए होता है, किसी को ब्लड चाहिए होता है, किसी को किसी की यूनिवर्सिटी की फ़ी जो है वो रह रही होती है, वो पेमेंट उनकी रहती है, तो वो फिर उनको दूसरे लोगों से हेल्प लेनी पड़ती है कि हमें अपना जो है करियर जो है वो कंटिन्यू करने में, अपने कामयाब बनने में हमें फीस अगर पे करनी है अपने सेमेस्टर की तो हमें हेल्प चाहिए क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हैं। तो ये कंडीशन किसी पर भी आ सकती है, हम में से किसी पर भी ये सब मसले मसाइल आ सकते हैं। तो जहाँ आप अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में आगे जा रहे हैं वहाँ पे आप सीख रहे हैं, तो साथ साथ अगर आप फ्रीलांसिंग के प्रोफेशन को भी लेकर आते हैं अपनी लाइफ में, साथ साथ आप फ्रीलांसिंग भी करते हैं और अपनी स्टडीज़ पर भी फोकस करते हैं, तो इसका ये फ़ायदा होगा कि आपको कभी भी किसी से पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आपका हाथ देने वाले लोगों में शामिल होगा, आप लोगों की हेल्प कर रहे होंगे, आपको किसी की हेल्प की इंशाल्लाह ज़रूरत नहीं होगी। तो इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि आप किसी पर डिपेंड ना करें, आप अपनी स्टूडेंट लाइफ में भी इंडिपेंडेंट हों, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हों, तो आपके लिए बहुत बेहतरीन ये ऑप्शन है कि आप फ्रीलांसिंग की तरफ आएँ, क्योंकि आप इसको अपनी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ ईजीली मैनेज कर सकते हैं। आप एक स्किल सीखते हैं, वो भी स्किल वो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। यहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमें कौन सी स्किल सीखनी चाहिए, किस स्किल का बहुत ज़्यादा स्कोप है। मैं आपको वाज़ह बता दूँ कि फ्रीलांसिंग में हर स्किल का बहुत ज़्यादा स्कोप है, इसलिए स्कोप है क्योंकि हर चीज़ की ही डिमांड है, कोई भी स्किल ऐसी नहीं है जिसकी डिमांड नहीं है। हर जगह कंटेंट राइटर्स की ज़रूरत है, ग्राफिक डिज़ाइनर्स की ज़रूरत है। कंटेंट राइटिंग एंड ग्राफिक डिज़ाइनिंग ये दो ऐसी स्किल्स हैं जो कि साइड बाय साइड जाती हैं और करीबन हर छोटे बड़े बिजनेस में इनका इस्तेमाल है, क्योंकि अब सारे बिजनेस जो हैं वो ऑनलाइन आ गए हैं, तो वहाँ पर उनको कंटेंट राइटर्स की ज़रूरत है ताकि उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं, उनके बारे में वो लोगों तक बता सकें, उनको बताएं कि किस तरीके से उनका काम है और किस तरीके से वो उनका हेल्प कर सकते हैं एंड ऑल दैट। इसी तरीके से जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग है उसका भी बहुत स्कोप है, क्योंकि जो
बिजनेसेस हैं, ऑनलाइन हैं, तो उनको अपना काम विजुअली दिखाने के लिए, विजुअलाइज करवाने के लिए ग्राफिक डिज़ाइनर्स की और वीडियो एडिटर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हर स्किल की बहुत डिमांड है। आपने सिलेक्शन उस स्किल की करनी है जो कि आपके इंटरेस्ट से मैच करती हो। आप फ्रीलांसिंग में उसी वक्त ही ग्रो कर सकते हैं जब आप उस स्किल का इंतखाब करें जो कि आपके इंटरेस्ट से मैच करती हो। तो इसके हवाले से भी आपको इंशाल्लाह इसी कोर्स में गाइड कर दिया जाएगा कि आपसे पूछा जाएगा कि आपका प्रोफेशन को, आपकी सब्जेक्ट कौन से हैं, आपके इंटरेस्ट कौन से हैं, उसी के हिसाब से आपको इसके स्किल सिलेक्शन में भी आपको गाइड कर दिया जाएगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पर हमने बात की है फ्रीलांसिंग की और उसकी इम्पॉर्टेंस की और उसकी स्कोप की। अब मैं स्कोप के हवाले से ये बात करना चाहूँगी कि कोरोना वायरस आया है ना, तो लॉकडाउन की वजह से हर छोटा बड़ा बिजनेस क्लोज हुआ है, हर दुकान बंद हुई है, चाहे एक रोज़ हेली हुई है, हफ्ते हेली हुई है, लेकिन हुई ज़रूर है। तो फ्रीलांसिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जो कभी भी क्लोज़ नहीं हो सकता। क्यों नहीं क्लोज़ हो सकता? क्योंकि ये ऑनलाइन है, ये ऑनलाइन वर्ल्ड में प्रोफेशन है, ऑनलाइन वर्ल्ड का प्रोफेशन है। तो जो फिजिकल बिजनेस हैं वो तो क्लोज़ हो सकते हैं, कोई भी कोरोना वायरस जैसी सिचुएशन आती है तो वो तो क्लोज़ हो सकते हैं, लेकिन फ्रीलांसिंग का काम नहीं रुकता। इवन हमें 6 सितंबर की भी छुट्टी नहीं होती और 23 मार्च की भी छुट्टी नहीं होती, तो और इतवार वाली भी छुट्टी नहीं होती। सो हमारे पास काम ही काम होता है और हमने उसको मैनेज करके जाना होता है। तो एक ऐसा काम, अब देखें ना, प्रोफेशन वही कामयाब है ना कि जिसमें आपको एक तो फ़ायदा हो, आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा ना हो और आपको काम आता हो और आप उसमें अपना वक्त लगा सकें और ग्रो कर जाएं, ऐसा ही है ना। तो फ्रीलांसिंग में आपको पता है किस चीज़ की इन्वेस्टमेंट करनी होती है? अपने वक्त की इन्वेस्टमेंट करनी होती है, वो इसलिए कि आपने कोई स्किल सीखनी होती है, उसमें एक्सपर्ट बनना होता है और उसके बाद आपको जाना होता है। मैं आपको बताऊं, फ्रीलांसिंग की जो सक्सेस स्टोरीज हैं वो 6 महीने के अंदर अंदर बन जाती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि अगर आप अपनी इंटरेस्ट की स्किल सीखते हैं तो उसको सीखने में इतना ज़्यादा आपको वक्त नहीं लगता, क्योंकि वो आपका इंटरेस्ट वाला वर्क होता है, उसके बाद आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं, लोगों के साथ काम करते हैं, तो बहुत जल्दी आप कामयाब हो जाते हैं। उसके बाद बहुत सारे इंटरनेशनल मार्केट्स हैं जहाँ पर बाकायदा ये काम हो रहा है, वहाँ पर फ्रीलांसर्स हैं वो वहाँ पर काम कर रहे हैं और उनकी अर्निंग एक कामयाब बिजनेसमैन से बहुत ज़्यादा है। सो इसी तरीके से बहुत सारे इंटरनेशनल मार्केट्स हैं जनाब, बहुत सारे लोकल मार्केट्स हैं पाकिस्तान की हैं, पाकिस्तान की अपनी जो है फ्रीलांसिंग की मार्केट भी अब अल्हम्दुलिल्लाह आ चुकी है वर्क चेस्ट, ठीक है, उसके नाम से हमारी अपनी फ्रीलांसर्स, पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स की अब आई है एक मार्केट। और इसी तरीके से हमारे पास ग्रो करने के चांसेस बहुत सारे हैं। फ्रीलांसिंग एक बहुत ज़बरदस्त प्रोफेशन है, स्टूडेंट्स को ये प्रोफेशन लाजमी ज्वाइन करना चाहिए, इसको ऑप्ट करना चाहिए, अडॉप्ट करना चाहिए, ताकि ना सिर्फ वो अपने करियर में कामयाब हो सकें बल्कि अपनी स्टूडेंट लाइफ में भी जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाएं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएं और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें। अगर आप कोई और दूसरा प्रोफेशन करते हैं, किसी स्टोर पर जाकर काम करते हैं, कोई और छोटी मोटी जॉब करते हैं, तो आपके पास एक फिक्स अमाउंट आती है और उसके अलावा कुछ नहीं आता। आपको आपकी मेहनत ज़्यादा होती है, आपका इनपुट ज़्यादा होता है, आउटपुट आपको इतना नहीं मिलता। सो जब आप उसको करते हैं अपनी फ्रीलांसिंग में, तो वहाँ पर जितना आपका इनपुट होता है आपका उतना ही आउटपुट होता है, उतनी ही आउटपुट मिलती है, उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होता है। तो इसीलिए RSC जो है वो
ये शॉर्ट कंटेंट राइटिंग का कोर्स लेके आए हैं ताकि आपको सिखाया जा सके कि कैसे आपने फ्रीलांसर की फील्ड में आना है और किस तरीके से कामयाब होना है। और इंशाल्लाह इस कुछ रोज़ के कंटेंट राइटिंग के शॉर्ट कोर्स के बाद इंशाल्लाह लॉन्ग कोर्स भी आएगा जिसमें आपको कंप्लीट जो स्किल्स हैं वो मुख्तलिफ स्किल्स मुख्तलिफ मेंटर्स सिखा रहे होंगे। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप के इस लेक्चर को अटेंड करने के बाद आप ज़रूर इतने एक्साइटेड हो गए होंगे कि आप भी फ्रीलांसिंग को और जानना चाहेंगे। सो अगर आप और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो मुझसे के लिए अगले सेशन में, और फिर वहाँ पे हमारी लाइव कन्वर्सेशन होगी, आपके सवाल होंगे और मेरे जवाब होंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।